रायगढ़ के कोतवाली थाना में एक व्यक्ति जिनका नाम मोहम्मद आरिफ है और इनके रहने वाले करीब ये रहने वाले उमरिया गया बिहार के हैं, उम्र करीब 36 वर्ष के आसपास है। यहाँ किराए के मकान में दीनदयाल कॉलोनी में रहते थे, पिछले 4 साल से यहाँ निवासरत हैं। अलग अलग जगहों पर ये ड्राइवरी का काम ये करता है और इसके पास से एक देसी कट्टा, 12 बोर खुद का बनाया हुआ और बैरल 315 के जो राइफल होते हैं उसके 5 जिंदा राउंड और उसके 4 खाली खोखे, साथ में SLR के 2 जिंदा राउंड, 5 नंग 12 बोर के जिंदा कारतूस और जो इस टाइप के जो हथियार बनाने में जो उपयोग होता है वैसे करीब 8 छर्रे इसके पास से बरामद किया गया है। कोतवाली थाना में 2527 आम सेट के तहत इसमें कार्रवाई की जा रही है। बाकी इसमें डिटेल और लिया जा रहा है कि ये सब सामान वो कहाँ से लाता था, क्या करता था, लेकिन इसका अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें इसने स्वीकार किया है कि ये कुछ चीज़ों का पार्ट्स इसके पास खुद ही बनाता था ये, और ये गया बिहार से सारे सामान को लेके आया हुआ था और इसमें बाकी डिटेल में जानकारी चल रही है। इसमें कार्रवाई का नहीं अभी तक इसमें बेचने की कोई बात स्वीकार तो नहीं किया है, इसमें पूछताछ चल रही है। और दूसरा, चूंकि ये जिसमें वेल्डिंग वगैरह कराने के लिए दूसरे दूसरे जगह पे जाता था ताकि किसी को शक ना हो, इसमें जितने भी अभी हम रिसेंटली जो भी बदमाश और इस टाइप के जो आरोपी मिले हैं वो बहुत ही बार बार प्रशासन के द्वारा हर अपील करने के बावजूद भी लोगों में अभी ये चीज़ें सीरियस नहीं हो पा रहे हैं कि जो भी व्यक्ति उनके घर में रहता है उनके गतिविधियों पर ध्यान रखें, उनके संपूर्ण बायोडाटा अपने पास रखें और दूसरा संबंधित थानों को तत्काल सूचना दें कि ये अमुक व्यक्ति यहाँ से रहने के लिए आया और यहाँ काम कर रहा है ताकि उसे क्रॉस चेकिंग किया जा सके। दूसरा, अगर किसी के प्रवाइसिस में अगर कोई व्यक्ति है तो ये भी क्रॉस चेक करे कि अगर वो कहता है कि मैं अमुक जगह पे काम करता हूँ तो इतना समय निकाल के उसको एक बार क्रॉस चेक जरूर करे और इससे हमको बहुत सारी जो घटनाएं हैं उससे बच सकते हैं और सेफ रह सकते हैं। अभी तक ये जो चीज़ें आई हैं उसमें कहीं ऐसा उसने खुलासा तो नहीं किया है, बस इतना है कि उसके पास हथियार मिली हुई है और हम ये पता कर रहे हैं कि वो सारे पार्ट्स कहाँ से खरीदा है और ये सब से इनबिल्ड करने के बाद वो सारे असेंबल करने के बाद वो किसको बेचता था ये सब पता करने की कोशिश कर रहे हैं। For more information, log on to www.clips.in.